तमाम बड़े बड़े राजनेता अगर इस मंच पर आ जाएं, तो अपने बयान कैसे देंगे। सबसे पहले पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश जी, भाई यूपी में चुनाव है, हम तो उत्साहित हैं, लेकिन जानते हैं कि वहां हमारा कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां तो 31 का एक भी सीट नहीं मिलेगी। मनमोहन सिंह जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार हमारी लाडली प्रियंका जी ने यूपी में ताकत झोंकी है। मैं चाहूंगा आप उन्हें मदद जरूर करें। लालू जी, ये पूरा हमको सब पैक कर दिया है, तबाह कर दिले बड़े सब। ये प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, बजाओ सुरताज यादव को फोड़ो। अरे मोदी जी, यादव को जब भैंस नहीं पटक सकी, नरेंद्र मोदी पटक देगा। तो ईवीएम के ऊपर के नीला बटन को दबाना है, दबाएंगे तो बोलेगा टिंग, मने अब तो हार होट हो गई हमार जान, थोड़ा घरे जा। उसके बाद अखिलेश जी, क्या कहते हैं आकर के बनारस में, आकर के कहते हैं कि हर किसी को गर्व है बीएचयू का छात्र है। हाँ भाई, गर्व है। ये वही छात्र है जिनके महिला विद्यालय के कैंपस में आपकी पुलिस ने लड़कियों को कुचला था, याद है कि नहीं याद है। ये वही छात्र है जो छेड़खानी का विरोध कर रहा था, आपकी पुलिस ने उनको लाठियों से मारा था, याद है कि नहीं याद है। ये वो छात्र है जिसका आदर्श वो नरेंद्र है जो अमेरिका हिंदुओं का प्रचार करने गए थे, वो नहीं जो ट्रंप का प्रचार करने गए। उसके बाद योगी जी, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनारस में पहले तो गलियां थी और हमने गलियारा भी बना दिया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर जब कुर्सी की बात आती है तो कभी कभी हमारा भी मन खिल उठता है, और अब तो हथियार चलाने की हुनर जानने वाला सनी देओल भी पार्टी में आ गया है, तो उसको रक्षा मंत्रालय देकर के हमें भी यूपी का चेहरा बनाया जा सकता है।